प्राचीन काल से ही भारत अपने धर्म, संस्कृति और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध रहा है। पृथ्वी के सबसे प्राचीन धर्म यानी सनातन धर्म ने भारत को विश्व गुरु की मान्यता इसलिए दी थी कि हमारा ये महान देश उस समय मनुष्य को शिष्टता और मर्यादा के मूल्यों से बांधता था। इस देश की मिट्टी में ही श्रद्धा और विश्वास की महक मिलती है। जहाँ देखो यहाँ पवित्रता का भाव उद्भव होता है। हमारे देश के लोगों में ईश्वर के प्रति जो भक्ति भावना दिखाई पड़ती है वो शायद ही किसी दूसरे देश में दिखाई पड़ती होगी। हमारे देश में लगभग 79.80% लोग हिंदू धर्मावलंबी हैं। इसलिए हमारे देश में आपको हर एक जगह मंदिर और देवभूमि आदि दिखाई पड़ती होंगी। इसीलिए कई बार भारत को मंदिरों का देश भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में लगभग 20 लाख या फिर इससे भी ज्यादा मंदिर हैं और हर एक मंदिर की अपनी खुद की विशेषताएं और मान्यताएं हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं में से कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में जानेंगे जिन्हें जानकर आप यकीनन दंग रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँच सके। भारत के कुछ प्राचीन व रहस्यमय मंदिरों के अनसुलझे रहस्य। मित्रों, वीडियो के इस भाग में मैं आप लोगों को भारत में स्थित कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आप लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा, क्योंकि इन मंदिरों के रीति रिवाज और मान्यताएं भी कुछ हटकर हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अपने अनंत गलियारे से सबको मोहित करने वाला रामेश्वरम का मंदिर। मित्रों, इस सूची में स्थित सबसे पहले मंदिर को देखकर आप खुद ब खुद मोहित हो जाएंगे, क्योंकि इस मंदिर में मौजूद है एक भव्य गलियारा जिसे कि इन्फिनिटी कॉरिडोर भी कहा जाता है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित ये मंदिर देवों के देव महादेव जी को समर्पित है। इस मंदिर की सबसे खास बात इसके लंबे लंबे और अनुपम कलाकारी के पूर्ण गलियारे हैं। इसके एक गलियारे में 1212 स्तंभ मौजूद हैं और हर एक स्तंभ इतनी बारीकी से बनाया गया है कि हर एक स्तंभ हूबहू एक समान दिखते हैं। बता दूं कि हर एक स्तंभ 30 फीट ऊंचा है और पूरे गलियारे की लंबाई लगभग 1.1 किलोमीटर है। तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि उस समय इस मंदिर को बनाने के लिए कितने कुशल कारीगर लगे होंगे। इसके अलावा रामेश्वरम का ये मंदिर चार धामों में से एक है, इसलिए इसकी महत्व और अधिक है। और ये शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कामाख्या मंदिर देवी के मासिक धर्म के कारण हर साल 3 दिनों के लिए बंद रहता है मंदिर। दोस्तों, आसाम के नीलाचल पहाड़ी के ऊपर स्थित है देवी कामाख्या जी का मंदिर। अपने आप में एक बहुत ही विशेष मंदिर है। पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु देवी जी के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। वैसे ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है जो कि बहुत ही ज्यादा प्राचीन है। कहा जाता है कि देवी सती जी की योनि यहाँ पर आकर गिरी थी, इसलिए यहाँ पर देवी जी को पूजने के लिए कोई भी मूर्ति नहीं है। हर साल सावन के महीने में मासिक धर्म के कारण पूरे 3 दिनों के लिए ये मंदिर बंद रहता है। लोग कहते हैं कि इसी समय मंदिर के गर्भगृह का फर्श लाल रंग से रंगीन हो जाता है। वैसे जब 3 दिनों के बाद मंदिर दोबारा खुलता है तो श्रद्धालु प्रसाद के तौर पर देवी जी को लाल साड़ी का कपड़ा चढ़ाते हैं। ये मंदिर तंत्र साधना के लिए काफी ज्यादा प्रचलित है। सबसे शांत और प्राकृतिक अनुभव देने वाला महाबोधि मंदिर। बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए महाबोधि मंदिर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। वैसे सनातन धर्म के लोगों के लिए ये भी एक बहुत पवित्र स्थान है, क्योंकि इसी जगह ही बुद्ध जी को प्रबोधन यानी कि इलाइटमेंट मिला था। वैसे बता दूं कि यहाँ पर मौजूद महाबोधि वृक्ष के नाम पर ही इस स्थान का नाम महाबोधि पड़ा है और इस वृक्ष के नीचे ही बुद्ध जी को ज्ञान मिला था। मित्रों, बता दूं कि बौद्ध धर्मावलंबियों के अनुसार ये मंदिर पृथ्वी की नाभि है जहाँ से जीवन की उत्पत्ति हुई है, और जब तक इस संसार में जीवन है तब तक ये मंदिर ऐसा ही रहेगा। जब कलयुग का अंत होगा और पुनः जीवन की उत्पत्ति होगी तब फिर से इसी जगह से ही जीवन इस संसार में आएगा। मंदिर के अंदर एक विशाल सोने से बनी हुई बुद्ध जी की प्रतिमा है जो कि नारंगी वस्त्र से आच्छादित है। शरीर से खून बहाकर देवी जी की जाती है पूजा। बड़ा प्रसिद्ध है ये देवी भद्रकाली जी का मंदिर। दोस्तों, केरल में स्थित देवी भद्रकाली जी का ये मंदिर
इसके अनोखे रीति रिवाजों के लिए काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। हर साल यहाँ पर एक त्योहार होता है जो कि देखने में काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला है। मेरे ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कि हर साल श्रद्धालु इस मंदिर में देवी जी को पूजा करने के लिए आते हैं, तलवार लेकर जलसे में निकलते हैं। उसी दौरान ये लोग स्वतः तलवार को लेकर अपने सर माथे या शरीर पर चोट मारते हैं, जिससे खून की धार निकालना स्वाभाविक है। ये त्योहार पूरे 7 दिनों के लिए चलता है और इसी दौरान पूरा मंदिर खून के धब्बे और निशानों से भर जाता है। हर तरफ खून ही खून नजर आता है, इसलिए त्योहार के खत्म होते होते ही मंदिर को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है, जिससे मंदिर की साफ सफाई की जा सके। मित्रों, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस त्योहार को देखेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। औरंगाबाद का ये कैलाश मंदिर बना हुआ है सिर्फ एक चट्टान से। लोगों के अनुसार इसे एलियंस ने बनाया था। मित्रों, 760 ईस्वी में बना शिव जी का ये मंदिर पूरे भारत में इसके अभूतपूर्व बनावट के लिए काफी ज्यादा विख्यात है। राजा कृष्ण प्रथम जी के द्वारा बनवाया गया ये मंदिर सिर्फ और सिर्फ हाथ से ही बनाया गया है। उस समय इस मंदिर को बनाने के लिए हथौड़ा और छेनी का ही प्रयोग किया गया था। वैसे बता दूं कि पूरा का पूरा मंदिर सिर्फ और सिर्फ एक ही चट्टान से बनाया गया था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगी होगी। इसीलिए यहाँ के निवासी लोग कहते हैं कि इसे एलियंस ने बनाया था। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा काफी ज्यादा आकर्षक है और कई उन्नति शैली के चित्रकलाओं से उभरा हुआ है। समंदर में छुपे हुए स्तंभेश्वर मंदिर का राज क्या है? दोस्तों, गुजरात में स्थित महादेव जी का ये स्तंभेश्वर मंदिर बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये मंदिर समंदर के बीचों बीच कभी छुप जाता है तो कभी दिखाई पड़ जाता है। इसको बनाने के पीछे का रहस्य हमें हिंदू धर्म के ग्रंथों की ओर ले जाता है। कहा जाता है कि इसे शिव जी के बेटे कार्तिकीय जी ने स्थापित किया था। बता दूं कि अरब सागर में मौजूद इस मंदिर को आप भाटे के समय ही देख सकते हैं, क्योंकि ज्वार के समय इस मंदिर को समंदर का पानी अपने अंदर समा लेता है। वैसे एक बात और ध्यान रखेंगे कि इस मंदिर को देखने के लिए उपयुक्त समय में मंदिर के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। अपने इसी खास गुण के कारण ये मंदिर काफी सुर्खियों में रहा है। भारत का सबसे प्राचीन व शानदार मंदिर मीनाक्षी अम्मा मंदिर, तमिलनाडु के वैगाई नदी के किनारे स्थित मीनाक्षी अम्मा जी का मंदिर पूरे भारत में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। आमतौर पर भारत में मौजूद जितने भी मंदिर हैं, वो एक ही रंग के आधार पर बनाए गए हैं और इनमें ज्यादातर रंगों का भेद देखना मुश्किल है, परंतु मीनाक्षी अम्मा जी का मंदिर देखने पर ना काफी शानदार बल्कि रंगीन भी है। इस मंदिर में आप लोगों को 33,000 भिन्न भिन्न रंगों से बने कलाकृतियां देखने को मिलेंगी, जो कि मंदिर के 14 बड़े बड़े मीनारों में लगे हुए हैं। देखने में मंदिर काफी ज्यादा भव्य है। वैसे ये मंदिर शिव जी और माता पार्वती जी को समर्पित है। बता दूं कि किसी समय ये मंदिर और भी ज्यादा सुंदर दिखता था, परंतु 13वीं शताब्दी में मुसलमान शासकों ने इसको काफी ज्यादा हानि पहुंचाई, जिसके कारण इसको काफी कुछ गंवाना पड़ा था। मित्रों, यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्द ही लाऊंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।